आए हैं आज हम भैया आज हम आए हैं दुल्हन पराठा खाने दुल्हन हैं। पराठा। क्यों, तुम्हारी दुल्हन शादी हो गई तो नहीं नहीं दुल्हन पराठा खाना है? भैया अच्छा दुल्हन पराठा उसका नाम है, किसी चीज़ से मशहूर है, बहुत बड़ी कहानी है, वो बताएंगे। वो अभी बताएंगे। तो भैया सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भैया आज हम आए हुए हैं नाश्ता करने, क्योंकि इतने दिनों से जो है ना नाश्ते की सीरीज चल रही है, तो हमने सोचा आज जो बहुत ही पुराना और यूनिक चीज़ है हैदराबाद की, वो आप आज को दिखाते हैं। आपको ये देख सकते हो, आज हम आए हुए यहाँ पे दुल्हन पराठा कैफे अफजल पे, जो कि शहर में इसकी भाई लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें याद है लोकेशन नहीं इसकी? पता नहीं ना, गलियों में से लिया है वो, उसे पता बहुत नहीं ही भाई चला। गलियाँ, इतनी गलियाँ यहाँ पे। इसकी लोकेशन जो है ना, मैं कोशिश करूँगा मैप से जो है ना वो डाल दूँ। तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यार हमेशा आज का वीडियो बोल देता हूँ मैं, वही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज का व्लॉग। वही पराठे तो बहुत सारे आप लोगों ने खाए होंगे, कीमे का, चिकन का, आलू का और नान का पराठा, बहुत सारे पराठे खाए होंगे। लेकिन ये है दुल्हन पराठा। जो सिंगल हजार आते हैं वो इस वीडियो को ना देखें, तुम भी चले जाओ उस वीडियो से। भाई ये देख सकते हो यहाँ पे पूरियों का भी इंतजाम है, पूरियाँ भी हैं। और जो हम जिसके लिए आए ना वो है ये पराठा, ये अबे देख बल्कि सकते हो उसमें भाई। होंगे थैली में, देखिए वाले पूरे चिकन के मेरे लेग पास आ पीस भी गए, लगे हैं। अभी एक तो थैली जो है में ना ये है। बनता हुआ जो है ना, मैं इसको दिखाऊंगा आपको कैसे बनता है ये। तो भाई ऑर्डर जो है ना हमने दे दिया आते के साथ ही, क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी बनते हुए जो है ना क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ सारा। ये भाई तैयार होके आ गया वहां से, देख सकते हो। तो भाई हमारा जो है अब पराठा तैयार हो गया, अब चलते ही देख सकते हो भाई रज आ गया हमारा। ये रहा भाई माशाल्लाह, वही देख सकते हो इसमें क्या क्या चीजें डली हुई। अंडा है, ये देख सकते हो, बॉइल्ड एग भी है, काजू भी है और बहुत सारी चीजें हैं, चिकन भी है इसके अंदर, ये देख सकते हो। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है भाई। और ये नींबू भी दिया इन्होंने, और नींबू भी डाल के इस पे देखते हैं कैसा लगता है। 60 रुपए किलो भाई। और ये लेग पीस भी है, चिकन की लेग पीस, ये फ्राई है ना? तो भाई ये फ्राई है, सबसे पहले जो है ना मैं ये खा जाता हूँ। अब भी स्टार्ट करो। अच्छा तो भाई चिकन तो बहुत ही जबरदस्त मजेदार लग रही है। अब जो है ना मैं इसका पराठे का पीस लेता हूँ। जो इसकी अरोमा है ना, खुशबू है, बहुत ही जबरदस्त आ रही है भाई। और इसके अंदर भी देख सकते हो ये पूरा कीमा है, मसाले वगैरह है सारे। बहुत जबरदस्त भाई, ये हर चीज का टेस्ट जो है ना इसमें अलग आ रहा है। बहुत सारी चीजें डली हुई, चुकंदर भी है, लेमन भी है, अंडा भी है और कीमा भी है। चिकन का अलग से पीस जो है ना, ये चिकन आप अलग से भी ले सकते हैं। ये देख सकते हो काजू भी इसमें जो है ना डलेगा, काजू भी है इसके अंदर, काजू भी खाते हैं इसके साथ। इसके साथ जो है ना आपको ये छोले की तरकारी भी मिलती है, लेकिन इसके साथ आप इसको अकेला भी खा सकते हैं और अकेला ही सही लग रहा है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें डली हुई है। फुल लोडेड पराठा है भाई। और ये हैदराबाद का जो है यूनिक चीज़ है और सौगात है हैदराबाद की, और कहीं नहीं मिलता है।
तो भाई देख सकते हो सारा जो है खत्म हो गया, और एक पराठा जो है ना तकरीबन दो बंदे जो है वो खा सकते हैं, बस तीन बंदे नहीं खा सकते, दो बंदे खा सकते हैं, बाकी एक पूरिया भी आप खा सकते हैं। फुली लोडेड पराठा है, सब चीजें इसके अंदर, एक मसाला देख सकते हो, ये भी है, थोड़ा सा बचा हमारा मन चले खाएंगे। तो भाई पूरियाँ भी हमने मंगवा ली है, देख सकते हो सालन भी आ गया, अब इसका थोड़ा सा कीमा बचा था ये, तो अब इसके साथ जो है ना हम पूरियों के साथ भी खाएंगे, थोड़ा सा सालन में डिप करके। बिस्मिल्लाह, बिठाया तुमने इधर लाइट के पास। तो भाई पराठा हमने खा लिया, बहुत ही ज़बरदस्त था पराठा, और उसमें तकरीबन सारी चीज़ें डली हुई थी, बहुत ज़्यादा। क्या लगे ऐसे? ठीक है, स्पेशल कीमा और चिकन मिक्स स्पेशल 500 रुपए का है, जिसमें अपना बीफ का कीमा होता है कटिंग करके, फिर 12 जड़ी बूटियों का मसाला होता है हमारा, फिर हो जाता है फुल चिकन वाला भी तो एक है ना, 700 वाला वो डबल लेग पीस वाला हो गया ना, वो एक लेग पीस और लगा दो तो वो डबल हार्ड हो जाता है, वन लेग पीस वाला हार्ड स्पेशल होता है, मावे वाला होता है, मीठा होता है, मावे का भी होता है, मीठा पराठा भी होता है मावे। एड्रेस ये है कि हम बीच में बैठे हैं, इधर कट मारोगे तो रेशम गली आ गया, यहाँ से निकलोगे तो फकीर का पेड़, छोटी गिट्टी, शाही बाजार, किला, बीच में बैठे हैं, कहीं पर भी पहुंच जाए, रेशम गली में पहुंच जाएंगे तो दुल्हन पराठे पे पहुंच गया, शाही बाजार में पहुंच गया तो दुल्हन पराठे और फिर पता लग जाए। तो भाई आप लोगों ने सुन लिया, और हम लोगों ने जो यहाँ पे पराठा खाया और सारे रेट वगैरह भी देख लिए, तो चलते हैं अब चाय पीने, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुमने तो बताया नहीं कैसा है पराठा। भाई पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो मैं बताना भूल गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था ना वो, तो अभी हम आज देख सकते हैं चाय पीने आ चुके हैं। पराठे का तो बताओ, चाय को नहीं देख तो सकते हैं ना, बेइज्जती कर रहे हैं यार, ये नहीं कर रहे। अब फिर पराठा तो बहुत अच्छा था, तो बस मज़ा आ गया खा के, आप भी खा लें आके।